हेलो, हाय हाय एवरीवन, हे हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक एवरीवन टू माय शो चिट चैट विद आशीष शुक्ला. होप आई एम ऑडिबल, राइट? एंड या लाइक मैं आपकी अपनी प्यारी सी आशु, ऑन द बिहाफ ऑफ टीम चिट चैट विद आशीष शुक्ला. हियर आई एम बैक विद माय न्यू गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट. और बहुत खास है आज का जो लाइव सेशन है, वो बहुत ज़्यादा खास है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ जेंडर इक्वालिटी पे, जिसकी मैं अपने हर लाइफ पे बात करती हूँ. आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा वियर्ड फेस आज हो रखा है बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड ऑल. फिलहाल मैं रांची से आज दिल्ली आ चुकी हूँ. आई एम सो सॉरी कि पोस्टर पे अपडेट नहीं था, आज का लाइव है, दिल्ली से लाइव है. हाय लिटिल चैम्प, अकेल, हेलो. सो ज़्यादा वक्त आज नहीं लूँगी, क्योंकि समय समय से स्टार्ट कर दिया है लाइव. थोड़ा सा लेट भी आई थिंक हो गया है, 2-4 मिनट का. 2-4 मिनट से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 2-4 मिनट में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं. और गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ एक बार. अपने बहुत बहुत प्राउड है, आज जो प्राउड की नहीं, प्राइड की बात करेंगे. जी हाँ, LGBT प्राइड, जेंडर इक्वालिटी की बात करूंगी मैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर ये ऐसा शब्द है जो सुनकर पहले लोग बड़ा अकबका जाते थे. दिमाग में खाली के हिस्सों के नजरों को ना, कुछ मेंटालिटी को कुछ और ही समझ जाते थे. लेकिन कुछ चीजें बदलाव हुई और लोगों ने जेंडर इक्वालिटी को समझा, रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करी, जो कि बहुत जरूरी है. और आज के गेस्ट बहुत खास हैं, अपने आप में ही प्राइड हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर. सही सुना आपने, ट्रांसमैन आर्यन पाशा. आर्यन पाशा मेरे बहुत फेवरेट हैं, और जेंडर इक्वालिटी की बात करती हूँ मैं हमेशा, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत सारी बातें करेंगे उनसे. उनकी कहानियों में वो मोटिवेशनल बातें ढूंढेंगे, और व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि समझें उनकी बातों को, उनकी कहानियों में से वो इंस्पिरेशन को समझें. तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सर को ऐड कर लेती हूँ. हेलो हाय आशु, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो हाय. आप? मैं एकदम ठीक हूँ. मैं बहुत टायर्ड हूँ, कंटिन्यू ट्रैवल में अर्जेंटली मुझे दिल्ली आना पड़ा बिकॉज ऑफ सम हाँ, वर्क, तो कैसा तो रहा इसीलिए आपका बहुत हेक्टिक. ट्रैवल? दिल्ली आते ही सामान रख के मुझे जाना पड़ा एक मीटिंग के लिए. मम्मा ने बोला, मम्मा एक्साइटेड थी कि 2 महीने बाद मैं आई हूँ कि कुछ खाऊं, बट नहीं, टाइम ही नहीं एग्जॉस्टिंग. था. जर्नलिज्म की दुनिया ऐसी ही हो जाती है. वही, हम लोगों का भी ये एंड इंटरव्यू आई वेरी थिंक लॉन्ग, लास्ट लाइक ईयर से 2 साल इंटरव्यू बाद हुआ आई थिंक मेरी बात हुई है. है. काफी टाइम से तो मतलब क्या, पेंडिंग था ये. आई थॉट कि रांची में ज्यादा ठंड है बट दिल्ली में ज्यादा ठंड है, बहुत तो कैसे ज्यादा अभी ना, फिर भी हैं आज आप? थोड़ा कम है. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. ओके ओके. अभी मुझे एकदम से याद, पापा ने कहा कि तेरा लाइव है, फटाफट तैयार हो तू. मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ सब कुछ. ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगी अपने सवालों से, या फिर मैं नहीं चाहूंगी कि कुछ ऐसा कोई किसी व्यूअर कोई ऐसा सवाल पूछे जिससे किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जेंडर को हर्ट हो. बिकॉज जब बात जेंडर इक्वालिटी की हो रही है, तो हर्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, राइट? ना ही बेसिकली किसी इस के एग्जैक्टली सेशन का मतलब मोटिव ही है कि लोगों को सेंसिटाइज करना. सो मे भी देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग सीख रहे हैं, तो किसी का कोई इंटेंशन नहीं है हर्ट करने का. बट जब हम सीखते हैं तो गलतियों से ही सीखते हैं, कि बिल्कुल अगर उनसे कुछ गलती होगी या मुझसे कोई गलती होगी तो हम उसको करेक्ट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो लाइक आई डोंट वांट माय सेशन टू बी लाइक अ बोरिंग सेशन. मैं नहीं चाहती हूँ सबकी तरह बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं नहीं ऐसे सवाल जवाब, क्योंकि ये चीजें आपके लिए भी कॉमन होंगी. बीइंग अ नेम एंड फेम, आपने जो कमाया, जो पाया, ये बहुत कॉमन हो गई होंगी कि ये सवाल है उनके जवाब देने हैं, ये सवाल है उनके जवाब देने हैं. मैं ऐसा सेशन नहीं चाहती हूँ. वो मेरे न्यूज पार्ट में चलता है, बट मैं चाहती हूँ कि बातें ऐसी हो, आपके सवाल, आपके आपके मेरे सवालों में या फिर आपकी कहानियों में लोगों को वो चीजें समझ आए जिनको वो कभी उन्होंने जानी ना हो आपके इंटरव्यू सेशंस में.
चलो कोशिश करेंगे कि जो चीजें मिस हो गई है, कभी किसी ने जहां पे जिस पॉइंट पे छेड़ा नहीं, हम उन टॉपिक्स पे बात कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके बारे में आपकी जुबानी जानना चाहती हूँ, जो गूगल को भी नहीं पता है। ओके, या सो ये तो मतलब मोस्टली सभी लोगों को पता है कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ और इंडिया फर्स्ट ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर हूँ, बट मैं थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कि ट्रांसमैन होता क्या है। बेसिकली सबको ट्रांस वुमेन का पता है, ट्रांस वुमेन में भी लोगों को हिजड़ा या किन्नर कम्युनिटी के बारे में पता होता है। जैसे कि जब मैं भी छोटा बच्चा था मुझे भी यही पता था, और कि इनसे दूर रहना, जैसे घर वाले बोलते थे इनसे बात मत करो, तो वही एक डर एक फोबिया मुझे भी था उन लोगों से कि भाई वो लोग बहुत लाउड होते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं करना, और वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, जो एक मिथ है हाँ हमारे इंडिया में, एग्जैक्टली बहुत कॉमन मिथ है कि भाई इनसे दूर रहे, बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। बच्चों को से मतलब वैसे ब्लेसिंग्स के लिए सब कुछ ठीक है कि शादियों में बुला हाँ लेंगे, बच्चा होगा तब बुला लेंगे, बिल्कुल 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 बट एनी हाउ बस यही लोग थे जिनसे हम लोग, हमारी कम्युनिटी को एक विजिबिलिटी थी, चाहे वो डर से जी हो कुछ भी हो। बट ट्रांसमैन विद इन एलजीबीटी कम्युनिटी, उनके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मतलब जब मैं भी एक्टिविज्म में आया, और एक्टिविज्म में क्या, जब मेरा इन लोगों से इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ एलजीबीटी कम्युनिटी से, तो मैंने खुद ये बात रियलाइज करी कि लोगों को ट्रांसमैन के बारे में पता ही नहीं है। उनको लेस्बियन पता होता था, बट कि फीमेल टू मेल, कि अगर कोई गे पर्सन है जो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करता है, उसको नहीं पता। जो लेस्बियन है उसको नहीं पता कि अच्छा ऐसा भी होता है। इवन जो ट्रांस वुमेन है, हम लोगों की सेम जर्नी है, बट उनको ही नहीं पता था कि भाई उनके अपोजिट भी हैं सेम। बिल्कुल सो फिर मतलब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई जैसे वो होते हैं वैसे ही हम होते हैं, ऐसा करके। और जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये जो वर्ड है ट्रांसमैन, ये इतना मतलब लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ट्रांसमैन भी कुछ होता है। ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा किन्नर, दैट्स इट। तो अपने एग्जैक्टली आप को ढूंढना कि भाई तुम हो क्या, क्योंकि कोई तो एक आपको टर्म चाहिए, तो वो टर्म ही नहीं पता थी। और जब से 2014 में जब नालसा जजमेंट आया, तब से हम लोगों ने एकदम सडनली देखा कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करने लगे हैं, बिल्कुल क्योंकि जब हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, हमें वो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे ना कि है क्या, एक लॉस्ट आइडेंटिटी और सी थी। कहते हैं ना कि लोगों को जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में अपने आप ही एक अलग दुनिया और एक जजमेंट बना के बैठ जाते हैं। हाँ, एक इंटरनल फाइट, बस लोगों को टॉम बॉय का पता था कि भाई टॉम हाँ बॉय होते हैं। बिल्कुल सो टॉम बेसिकली जो टॉम बॉयज जो होते हैं, उनको सिर्फ लड़कों के क्लोथिंग हो गई, लड़कों के कपड़े पहनना, मैनरिज्म हो गया, और मे बी वो प्रनाउंस कर लेंगे कि लड़कों की तरह खाऊंगा, मतलब जैसे खेलूंगा, बट उनको अपनी बॉडी से कोई डिस्फोरिया नहीं होता, वो अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो यही डिफरेंस है ट्रांसमैन और टॉम बॉय और में। टॉप बॉय जो ट्रांसमैन एग्जैक्टली जो होता है वो अपनी बॉडी में खुश नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि वो फंसा हुआ, एक ट्रैप्ड है, और उसको शरीर से आजादी चाहिए, कि उसका जो सोल है और उसकी जो बॉडी है वो मैच नहीं कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है ज्यादातर, इवन विद इन कम्युनिटी लोगों को नहीं पता, और फैमिलीज में भी यही लगता है कि, तो जब मैं भी छोटा बच्चा था तो सबको यही लगता था कि ये टॉम बॉय है, और एक फेज अच्छा है, जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे बड़ी होगी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा बट मैं मतलब मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मैं टॉम बॉय, मुझे बचपन से ये पता था कि मैं लड़का हूँ, और हाँ वो सारी चीजें वही सब पिक करी जो एक छोटा बच्चा करता है। मतलब एक छोटा लड़का करेगा कि भाई क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, ऐसा करके मेरे को डॉल्स के साथ या किचन सेट के साथ खेलने का कोई शौक नहीं था, लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यही सारी चीजें हम लोगों को डिस्टिंग्विश कर देती है टॉम बॉय और ट्रांसमैन में, कि भाई यही मेजर डिफरेंस है। जी और फिर मतलब जब मैं 16 इयर्स का हुआ, तब मेरी मॉम ने मेरे को बताया कि भाई 6 रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी था, पढ़ाई पे भी नहीं ध्यान दे पा रहा था, साथ के साथ स्कूल में बुलिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी, तो एंजाइटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, और कि सुसाइड कमिट कर लो, ऐसा करके कि ऐसी लाइफ जीने का क्या फायदा। तब फिर मेरी मदर ने मेरे को बताया था कि भाई 6 रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, अगर तुम कराना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं और हम तुमको बिल्कुल हेल्प करेंगे।
तो वहां से फिर आर्यन की लाइफ और उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. दैट्स रियली रियली नाइस. लाइक सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया. मैंने काफी बहुत ऐसी हाँ बातें ऐसे लोगों से मिली जिनके पेरेंट्स उन्हें घर से निकाल देते हैं, सपोर्ट नहीं करते कि कल को लोग क्या कहेंगे. कहते हैं ना कि एक बच्चे को फर्क पड़ता है कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, लेकिन जब माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे तो वो चीजें बहुत हर्ट करने वाली होती है. ये बहुत अच्छी बात है. आई रिस्पेक्ट योर मदर टू कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया. जो चीज जो आपको भी नहीं पता थी वो उन्होंने आपको गाइड उन्होंने करी. मुझे बताई. हाँ जी तो मैं ऐसे मतलब पेरेंट्स को भी एक मैसेज यही देना चाहूंगा कि भाई जी आपको अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने अड़ोसी पड़ोसी उनके घर में क्या चल रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको भी अपने बच्चे की लाइफ पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा बना सके. अगर बिल्कुल आप ही बिल्कुल उसको मतलब इग्नोर करते रहोगे और मतलब रिस्ट्रिक्शंस डालोगे उसके ऊपर कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना तुम गलत हो, तो वो बच्चा कभी भी लाइफ में ग्रो मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा और वो गलत जी रास्ते पे निकल जाएगा कि वो नशे करने लगेगा उन सब चीजों सही को बात, अवॉइड बिल्कुल करने बिल्कुल के सही लिए. बात, बिल्कुल सही बात. और ऐसे बच्चे लास्ट में एंड में मतलब वो ड्रग्स में ही आ जाते हैं क्योंकि उनका जो अंदर से मेंटल प्रेशर है वो इतना ज्यादा है. तो डिप्रेशन. हाँ तो आप एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे का फ्यूचर तो ठीक नहीं कर रहे हो, उसको और एक मतलब खाई में ही धक्का दे रहे हो. बिल्कुल. माना एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे मतलब जेंडर एजुकेशन या सेक्सुअलिटी के बारे में बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, बट स्टिल ये टाइम है जब हमारे पास लॉ लॉज है एक्ट्स है, तो हम लोगों को भी अब अप टू डेट रहना चाहिए. और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता, वो आप ही की औलाद है, आप ही ने उसको पैदा किया, बिल्कुल आप उसको एज अ चाइल्ड देखो, ना कि मेल फीमेल या ट्रांस वो कुछ भी आइडेंटिफाई करे. आई डोंट थिंक सो कि आपको जब आप एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे तो आप ये नहीं सोच रहे थे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, कि आपको एक बच्चा चाहिए सोचो. था. बिल्कुल तो बिल्कुल. अब जो भी उसकी और ये आइडेंटिटी है आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. और मेन चीज ये है पाशा भाई कि जब माँ बाप जो भी कहते हैं ना, कि आपने हर किसी के पेरेंट्स के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं, ये घर बनाए अपने बच्चे के लिए. जब बच्चा ही खुश नहीं है तो फिर क्या फायदा. बिल्कुल. जब मतलब आप वही मतलब आप और उस खुश टाइम पे हो वो ये आप नहीं कहते कि उसको मैंने अपने लड़के के लिए, लड़की के लिए, किसके लिए. मेन चीज ये बच्चे के लिए, तो बच्चे को बच्चा ही समझो ना. कोई जेंडर इक्वालिटी मैटर्स. मैं हर हर अपने हर लाइव शो में एक वही यही बात बोलती हूँ. इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, स्पोर्ट्स इक्वालिटी, इक्वालिटी मैटर करती है हर चीज में. बिल्कुल. मतलब आपको अपलिफ्टमेंट की बात करनी है तो उसके लिए इक्वालिटी इक्विटी इन सब चीजों के बारे में सोच के चलना चाहिए. बिल्कुल सही बात. आई रियली वॉन्ट कि ये आपका सफर था नायला से आर्यन तक का, राइट. आपने बॉडी बिल्डिंग ही क्यों चूज कर? बॉडी बिल्डिंग. ओके सो पहले मैं स्केटिंग करता था, जब एंड मैं आई मुंबई थिंक यूनिवर्सिटी मैंने गया. जितना मुझे रिसर्च किया है, मैंने आपने लॉबी करी हुई है, राइट. हाँ सो जब मैं मतलब स्कूल तक मैंने स्केटिंग करी है और जब मैं कॉलेज गया तो मेरे वहां पे स्केटिंग रिंक वगैरह नहीं था, और कहीं ना कहीं वो लाइफ पे लग रहा था कुछ चीज मिसिंग है कि मतलब जो बच्चा हमेशा से ग्राउंड पे रहा हो और उसको कुछ खेलने के लिए ना मिले ऐसा करके. तो तब मैंने कहा कि चलो ठीक है जिमिंग करते हैं क्योंकि कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था. ऐसा नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना था, मैं अपने फिटनेस के लिए गया था अच्छा क्योंकि फिटनेस अगर आपकी ठीक है तो आप मेंटली भी फिट हो. तो जब मैंने जिमिंग स्टार्ट करी तो ऑटोमेटिकली मेरे ग्रेड्स हमेशा इंप्रूव हुए हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर पाता हूँ अपनी पढ़ाई पे. कि अगर मैं 2 घंटे निकाल रहा हूँ, मैं चाहे पूरे दिन बुक्स लेके बैठा रहूँ और जब तक मैं मेंटली मतलब उस स्टेट में नहीं हूँ तो कितना भी पढ़ते रहो कुछ नहीं होगा. अगर मैं जी 2 घंटे वर्कआउट करके 2 घंटे ढंग से पढ़ लूँ तो वो पूरा टाइम मतलब फिर मेरा है, कुछ भी करो बाकी के टाइम. तो ऐसे बस जिमिंग स्टार्ट की, फिर ट्रांसमेन का कॉम्पिटिशन होता है उसके बारे में पता चला अटलांटा में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है इसमें इसमें कम्पीट कर लेंगे ऐसा करके. क्योंकि तब तक इतना आइडिया नहीं था कि मतलब मैं इतनी फिजिक बना पाऊंगा और मैं मेंस में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा. और ऊपर से जब मैं स्केटिंग भी करता था तो मेरे ऊपर बहुत सारी प्रोटेस्ट आती थी कि भाई इसको अच्छा डिस्क्वालीफाई कर दो, कि लड़के को लड़कियों की रेस में खिला रहे हैं फलाना ढिमकाना. हो हाँ हाँ क्योंकि मतलब जब तक मैंने स्केटिंग करी है वो मैंने गर्ल्स में करी है तो उनको ये अच्छा लगता था कि एक लड़का कम्पीट कर रहा है. सो जब भी मतलब मेरे नेशनल्स के जो भी मेडल्स वगैरह थे तो हर साल उसपे प्रोटेस्ट होती होती थी कि
गलत है, फिर उनको क्लैरिफिकेशन दो कि भाई डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, स्कूल के डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो धीरे धीरे करके फिर वहां तो सबको पता चल ही गया था, बट तो मुझे ये था कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग भी करूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि भाई कि ट्रांसमैन है, कि मेल में खेल रहा है, तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मैंने ठीक है ट्रांसमैन का ट्राई कर लेते हैं, वहां पे उसके लिए तैयारी करते हैं, बट उसका वीजा नहीं लगा। और तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कि थोड़ा और मेहनत करके इंडिया में कम्पीट करेंगे, कि अगर चेंज लाना है। बेसिकली मेरे इंटेंशन यही थे कि जब मैं कम्पीट करूंगा मैं बता के ही करूंगा, कि मेरे को छुपा के नहीं करना, कि हाँ अगर मैंने ट्रांजिशन किया है, मैं ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मैं दुनिया को बता के ही करूंगा। उसके बाद उनका जी डिसीजन है उनको डिस्क्वालीफाई करना हो या कुछ भी करना हो। तो मैंने ऑलरेडी मतलब जो फेडरेशन है उनको मेल वगैरह लिखी थी, और उन्होंने मतलब सबसे पहले मेरे को मसल मेनिया का ही आया था कि उन्होंने बोला कि वी रिस्पेक्ट ऑल द एथलीट्स एंड यू कैन पार्टिसिपेट। सो 2018 में मैंने किया था, उधर मेरी सेकेंड प्लेस आई। फिर उसके बाद काफी सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, सारे नेशनल्स खेले, तो सब में अच्छा मतलब अच्छी प्लेस आई, मेडल्स आए। और फिर लॉकडाउन में अभी थोड़ा बंद हो गया था जिम, तो अब दोबारा से स्टार्ट किया है। तो आपको नहीं लगता कि अब आपको एक और शुरुआत करनी चाहिए कि इसको एक ओलंपिक का भी एक पार्ट बनाना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक्स में नहीं है। है ना? नहीं, ओलंपिक्स में बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है। बेसिकली ये जो गेम है इसमें काफी ज्यादा स्टेरॉइड्स का यूज वगैरह होता है, और ओलंपिक के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें आपका डोप टेस्ट होता है, तो वो है ही नहीं। बॉडी बिल्डिंग मतलब ओलंपिक का पार्ट ही नहीं है। लक्ष्मी सो मैम और जॉइन ओलंपिया होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए मतलब अभी मैं चाहता हूं और कोशिश भी कर रहा हूं कि उसमें अलग से कैटेगरी आ जाए ट्रांस की, क्योंकि मतलब अभी मेरे को कुछ लोगों ने बोला भी कि आप लोग तो इतने सारे हो नहीं, तो क्या मतलब क्या जरूरत है अलग से कैटेगरी की। तो तब मेरा मेन उनको चीज यही था ये कि है, जैसे लोगों ने कहा कि आप इतने सारे हो नहीं, तो आपको कहना चाहिए था कि हम तो बहुत हैं, क्योंकि हम तो इक्वालिटी पे नजर अपने टिकाते हैं, ना नहीं, कि देखो ये बार अभी बार जैसे कैटेगरी। बॉडी मुझे नहीं बिल्डर्स पता जो है, लोग कैटेगराइज क्यों करते हैं इतना ज्यादा। अभी जो देखो अभी तक मैं कंपीट करता था, अभी मैं अपने अलावा दो और ट्रांसजेंडर बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ, एक ट्रांसमैन है और एक ट्रांस वुमेन है। और अभी तक जैसे उस ट्रांस वुमेन का किसी को पता नहीं चला कि वो फीमेल में पार्टिसिपेट करी है, बट जिस दिन पता चल जाएगा कि भाई उसने ट्रांजिशन किया है, तो आप उसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसकी बॉडी का एडवांटेज है, चाहे उसने सर्जरी करा ली हो, सब कुछ उसका कंप्लीट हो गया, बट जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका बेनिफिट मिलता है। वैसे ही ट्रांसमैन जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलता कुछ भी, और वो उनके लिए मतलब डिफिकल्ट है मेंस में जाके कम्पीट करना, क्योंकि जो एक सिस मेल की जो मतलब बायोलॉजिकल मेल जो होता है उसकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, उसको पता था कि किस टाइम पे कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की। बट जो ट्रांसमैन होता है उनकी एक डोसेज सेट होती है, और वो एक केमिकल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ही रिलीज होगा, उसका बिल्कुल एक लाइफ बिल्कुल साइकिल होता है। और जी मेल की बॉडी में जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से टेस्टोस्टेरोन है। हम लोगों का कि हम लोगों ने जब ट्रांजिशन स्टार्ट किया तब वो टेस्टोस्टेरोन इंट्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी में, जी क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं होता है। हाँ तो ये फर्क हो गया है। और एक सॉरी वही आ गई थी अभी, नहीं हाँ लाइट ऑन करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं। सो इसीलिए मतलब अभी हम लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू किया कि भाई ट्रांसपेरेंट की अलग से कैटेगरी होनी चाहिए। तो मुझे किसी एक यूट्यूबर ने बोला कि भाई आप लोगों को क्या जरूरत है, तुम तो अकेले कंपीट कर रहे हो। मैंने कहा अगर मैं आज अकेला कर रहा हूँ, कल को 10 और लोग आके खड़े होंगे। मैं बिल्कुल अब धीरे धीरे उनको पता चला है कि भाई वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया है। और भाई ये गेम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक साल आपने जिमिंग करी और आप मतलब आपकी कॉम्पिटिशन लेवल की बॉडी हो जाएगी, बिल्कुल इसमें सही टाइम बात। लगता है, इट्स अ प्रोसेस, और टाइम लगता है, एटलीस्ट फोर टू हार्डवर्क फाइव बहुत देना ईयर्स पड़ता हाँ है। मसल्स मेच्योर होने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ही होगी। तो अच्छा मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आपने जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनकी कैटेगरी क्यों बनाई है, मैं उनकी तो कितने साल से अलग से डिवीजन है, उसमें कितने बिल्कुल पार्टिसिपेंट आते हैं, 10 से 15 लोग।
मैं जो इतने सालों से चल रहा है, आप उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बना सकते हो, तो हम लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। मैं और किसी को तो बेसिकली शुरुआत करनी थी और आपने और कर बेसिकली दी। कंपटीशन होते किस लिए? आप प्लेयर को मोटिवेट कर रहे हो, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, मेंटल लेवल जो होता है वो स्ट्रांग होता है. अगर आप उसको सिर्फ करके कि भाई आप हो ही नहीं, आपकी गिनती नहीं है, आप उनको चांस ही नहीं दे रहे हो. और फिर बोला मेरे को किसी ने कि आप अलग से आके मतलब गेस्ट पोजिंग कर लो, या फिर आप अपना कंपटीशन अलग से करा लो. अगर आप अलग से ही करा ले तो फिर मेन स्ट्रीमिंग कहाँ हुई? हम लोगों का तो इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ बाकी लोगों के साथ. अगर अलग अलग ही कर रहा है तो फायदा क्या उस चीज का? फिर तो वो हमेशा के लिए अलग ही रह जाएगा. बिल्कुल। मीन्स आपने स्टार्टिंग से लेकर के बहुत कुछ फेस किया है, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और बदलाव की शुरुआत करी है। ये रियली बहुत प्राउड मोमेंट है। मतलब ये हर किसी कहते हैं ना कि ये बदलाव लाना भी हर किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। मैं बट किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी है, एग्जैक्टली रास्ते खुद ही किसी ना किसी बनाने को तो होते हैं. शुरुआत हाँ करनी थी और आपने कर दी। आपको नहीं पता कि लाइक यू आर अ लाइक मैं वो एक वर्ड भूल रही हूँ, फरिश्ता कह सकते हैं। आने वाले और भी लोग जो अपने आप को पहचानते सब हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बाहर लाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि आप में वो टॉम बॉय वाला नई चीजें थी, आपको पता है कि एग्जैक्टली हु यू आर, उसके लिए आपकी मदर ने भी आपको गाइड किया। आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या हो और आपको किस चीज में मन लगता है, लेकिन सामने दुनिया क्या सोचेगी इस चीज को यहां से निकाल के अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ वरना मतलब किसी के घर वाले नहीं चाहते कि उसका बच्चा बॉडी बिल्डिंग करे. सबको होता है कि भाई काम करो, ये करो, वो करो, बट वो सेकेंडरी है मेरे लिए. और मेन मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग है कि ठीक है मैं काम भी कर रहा हूँ, बट मेरा फोकस जो मेन है वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर है. कि कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का करण फोकस सिंह यही इज हो कि भाई वॉचिंग वो. यू। करण सिंह इज लाइक ही इज अ इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर एंड गौरव ओके ये ही इज फ्रॉम BSF इंडियन वॉलीबॉल टीम कैप्टन। हेलो गाइस, हेलो. यहाँ पर भी वॉलीबॉल के टाइम पे भी यही बात होती है कि लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वॉलीबॉल के प्लेयर्स को लोग जानते नहीं है, जबकि क्रिकेट का वॉलीबॉल तो ऐसा है कि मतलब उसने किसी और गेम की ग्रोथ ही नहीं होने दी इंडिया में. जब मैं स्केटिंग हमारे करता हमारे था, क्रिकेट के प्लेयर्स आजकल प्लेयर नहीं है, दे आर द सेलिब्रिटीज, हाँ, इज इट। और बाकी जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं. और अगर अभी मैंने जो क्रिकेटर्स का देखा, उनका एटीट्यूड का लेवल ही अलग है. मतलब बहुत इतना सर सारे चढ़ा लिया है और वो पूरा कॉमर्शियलाइज हो गया, पूरी बेटिंग हो गई, फिक्सिंग हो गई, सारा सट्टा है उस पर चलता है. तो सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही उस गेम को मिल गई है. बिल्कुल उससे कई गुना ज्यादा दूसरे एथलीट्स मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड में भागते हैं, टायर बांध के भागते हैं, सैंड में रनिंग बिल्कुल करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से. और जब मैं खुद स्केटिंग करता था, मुझे इतनी चिढ़ हो गई थी क्रिकेटर से. उससे पहले मैं भी क्रिकेट खेलता था, बट ये देखा अच्छा। कि कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल पाती उन लोगों के चक्कर में, कि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं सब कुछ है वो सिर्फ क्रिकेटर्स के पीछे ही है. अभी बॉडी बिल्डिंग में भी सेम वही है कि अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनकी मसल क्वालिटी इतनी अच्छी है, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उन लोगों को. और यही चीज अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, एक अगर ऑर्फन भी होता है और अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, तो स्पॉन्सर उसको खुद उठा के लेके जाता है और उसको उस जगह पे वो पहुंचाता है जी कि भाई तुम डिजर्व करते हो ऐसा करके. बट इंडिया में सिर्फ क्रिकेट और बैटिंग, क्रिकेट लग जाता है तो बस लोगों की दारूएं खुल जाती है और बैटिंग एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ऐसा है ना कि आजकल तो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स का मेन चीज ऐसा है कि उनको अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं देना जितना उनको फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया पे क्या करना है। कि उनके इसके इतने बाल ठीक फॉलोअर्स है रहना. तो मेरे हाँ, इतने होने चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए सब स्टाइलिंग कुछ, स्टाइलिंग स्टाइलिंग में कोई कमी नहीं होती उन लोगों के. हाँ कैप्शन परफेक्ट होने चाहिए, राइट। ये चीजें बहुत उनको ध्यान में रहती है। एडवर्टीजमेंट के लिए उनको वो फेस देना है अपना, पूरा मेंटेन करके रखना है कि कपड़े रिपीट नहीं करने, लोग क्या सोचेंगे। प्रॉपरली उन्होंने तो बॉलीवुड इवन स्टार्स की मतलब मेरा नौकरी खा कजन ली है। ब्रदर है, मेरा कजन ब्रदर लगता है मतलब सेकंड कजन है, वो इंडियन क्रिकेट टीम में है. मैंने आज तक उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाई है कि कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आज वो क्रिकेटर बन गया तो उसके साथ फोटो डाल ली. मैं यार तू खेल रहा है अपनी जगह खेल, तो मुझे पता है कि कितना बंदे की लाइफ बदल जाती है उसके बाद.
पहले वो ही गले मतलब गांव में खेलता था, आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है, तो बहुत मतलब ऑटोमेटिकली बंदे का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो नहीं भी करे तो जो उसके जो सराउंडिंग्स है वो उसको उतना फोर्स कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे रहो। पता है आर्यन भाई, मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें हम कॉमन पीपल की गलती है, कि हम लोगों ने ही तो उनको इतना चढ़ाया है। अगर आज हम किसी और गेम के बारे में हिप हिप हो रहे या फिर फैन फॉलोइंग बढ़ाए, तो क्यों ना उनके उस अदर गेम के प्लेयर्स को भी लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग ही बात नहीं करना चाहते किसी और गेम की। नहीं ऐसा नहीं, देखो अभी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं तो उसका कोई टेलीकास्ट नहीं होता टीवी पे, लोग कैसे देखते हैं, चैनल्स के थ्रू ही। तो जब कोई चैनल ही नहीं आ रहा, उसको प्रमोट ही नहीं कर रहा, तो कॉमन मैन तक वो चीज पहुंचती नहीं है। अब हम लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है यार कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के नहीं है वो बाहर निकले उनको कोई पहचानता ही नहीं। ओलंपिया खेले हुए, इंटरनेशनल्स खेले हुए, कुछ भी नहीं उनका आता पता। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं पिन कर देती हूँ उस कमेंट को। आर्यन भाई, प्लीज गाइड मोर एंड मोर पीपल फॉर देयर हेल्थ एंड फिटनेस। ट्रांसमैन विल गेट हेल्प इन ट्रांजिशन आल्सो। यार देखो शुरुआत तो आपको नॉर्मल मतलब कोई फिटनेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो। फिटनेस मतलब अच्छा खाना और प्रॉपर वर्कआउट करना। फिटनेस को कभी भी जिम से मत जोड़ना कि भाई आपको फिटनेस चाहिए तो आपको जिम ही जाना है। आप नॉर्मल रनिंग भी कर रहे हो या अपनी गली में आप सिर्फ बैडमिंटन भी खेल रहे हो या कुछ भी A to Z फुटबॉल खेल रहे हो तो वो फिटनेस ही है। जहां पे भी आप अपने दिन भर की टेंशन को भूल जाओ और अपने उस ग्राउंड को एंजॉय करो, वो फिटनेस है। चलिए, अभी तक बात हो रही थी आपके ट्रांजिशन की और बॉडी बिल्डिंग की। थोड़ी सी बात हो जाए आपकी लव स्टोरी की। हाउ यू मेट लक्ष्मीना। मुझे भी नहीं पता था, मेरे को एक मतलब मैं दिल्ली आया हुआ था अपने वेकेशन में मतलब कॉलेज से। एक सो यू आर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, मैंने कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं छुट्टियों में वापस आया था घर पे, और अलाइंस HIV करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहती थी क्योंकि उनको भी ट्रांसमैन का इतना नहीं पता था, और रिसेंटली उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसमैन ने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने उन मतलब मेरी फोटो दिखाई उनको कि भाई ये ट्रांसमैन होते हैं, क्योंकि उसने ट्रांजिशन नहीं किया था और मेरा ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका था। तो उन्होंने मुझे बुलाया मैं ठीक है, और मतलब वो जो ट्रांसमैन था उसने रिक्वेस्ट करी कि एक बार आ जाओ ऐसा ऐसा है, मैं ठीक है। तो जब वो मिले तो उनको बड़ा ना शॉक सा लगा कि यार ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा करके, कि ऐसा कैसे अच्छा किया, सर्जरी कब कराई। जो हालांकि वो ट्रांस के साथ वो लोग कई सालों से काम कर रहे थे, बट वही कि सेम थिंग कि उनको ट्रांस वुमेन का ट्रांस पता था, वुमेन पता। हाँ हाँ, और ट्रांसमैन का आइडिया नहीं था ज्यादा। जब उनसे मिला तो उन्होंने तब मेरे को बोला कि 2 दिन के बाद उनका कोई इवेंट था नेहरू प्लेस में, कि अच्छा अच्छा अगर आप यहीं पे हो तो आप आ जाना। मैं ओके ठीक है। तब तो वैसे मतलब आई थिंक मैं 2nd या 3rd ईयर में था कॉलेज में, मैंने अच्छा कहा कोई बड़ा बुला रहा है तो जाना चाहिए ऐसा करके। और जब मैं उधर पहुंचा तो वो फर्स्ट टाइम ही मेरा खुद का इंट्रैक्शन था कि इतनी सारी ट्रांस वुमेन थी, और मैं खुद ही देख के डर गया कि हाँ मतलब अब तक तो मतलब हम लोगों को तो ये पता था कि भाई इनसे दूर रहो, और कभी किसी के साथ बिल्कुल भी इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ था, हाय हेलो भी नहीं हुई थी कभी, सिर्फ रेड लाइट पे ही देखा था ऐसा करके। तो उधर अब वो लोग बैठे हुए थे, और तभी नालसा जजमेंट आए हुए 1 साल हुआ था, मतलब ये टू अच्छा थाउजेंड फिफ्टीन की बात है। तो हाँ, ओके ओके सो ये वहां पे स्पीच दे रही थी, और उसके बाद बीच में ब्रेक था तो सब लोग इनका इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। तो तब मतलब होता ना कि आई कांटेक्ट हुआ, तो जैसे उन्होंने मुझे देखा मैं दूसरी तरफ देखने लग गया, कि एक तो सब कुछ ही इतना नया सा था, और वहां पे लोग बात कर रहे हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हस्बैंड है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ मैं इनकी भी शादी होती है, मतलब जैसे कॉमन कोई भी एक लेमैन कॉमन। होता है हाँ वो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो ही सारा मेरे भी रिएक्शन वही थे। मुझे लगता था इनसे कोई शादी नहीं करता होगा, और मतलब
इतना मैं समझदार नहीं था उस टाइम पे कि भाई ये चीजें भी पॉसिबल है। और फिर ऐसे ही हम लोगों का थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन वगैरह हुआ, और फिर हाय हेलो, फिर जी धीरे धीरे फिर मेरे को बाकी के लोग मीटिंग्स वगैरह में बुलाने लग गए कि आके ट्रांसमैन को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि थे ही नहीं, बहुत कम ट्रांसमैन थे जो जिन्होंने कम आउट किया था, या वो लोग ऐसी मीटिंग्स में आते थे नेशनल कंसल्टेशन वगैरह जो बिल को लेके चल रही थी कि लॉ क्या पास होना चाहिए था, कि जजमेंट ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी बट आगे क्या एक्ट बनेगा, क्या प्रोविजंस जी होने चाहिए, क्या हमारी डिमांड्स होनी चाहिए और हमारी कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट क्या है, कि हम क्या बेसिकली हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उसको लेके काफी ज्यादा कंटिन्यूसली कंसल्टेशन चलती रहती थी। तो वहां पे फिर धीरे धीरे इंट्रैक्शन होता रहा, हर बार ही जाते थे तो वही लोग थे जो हर बार सेम मीटिंग में आते थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कराती थी वही डिस्कशंस, तो बस वहां से फिर धीरे धीरे वो दोस्ती होती रही और फिर पता नहीं चला। ओके बहुत बहुत सुंदर. अभी ऑलमोस्ट लाइक 6-7 ईयर्स हो गए आप लोग एक दूसरे को हाँ जानते हुए. सो व्हेन यू गाइस आर प्लानिंग टू गेट मैरी? ये अभी तो कुछ पता नहीं, अभी कोविड है। अभी कोविड फायदा है, सिर्फ 20 लोग अलाउड है. बट उनको बहुत बड़ी वो फेरी टेल वाली लाइफ होती है ना उनको, वैसी वाली कि अच्छा. ड्रीम मैरिज वैसा सब। मेरा तो ठीक है, अभी मेरे को कोई अभी फर्क नहीं मैम इज पड़ता। इन मुंबई, राइट? नहीं वो आ गई है वापस दिल्ली। अच्छा, आ गई है. बहुत हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. एक एक कमेंट है आपके लिए. आई एम अ ट्रांसमैन फ्रॉम कर्नाटका मैसूर. इवन आई एम अ वॉलीबॉल प्लेयर कैप्टन, पर हमारी कुछ पहचान ही नहीं, कुछ सपोर्ट करने वाला भी नहीं. तो आप, मैं शाज को एक ही मैसेज देना चाहूंगी, एक अपनी तरफ से, उसके बाद प्लीज आप भी अपनी तरफ से कुछ मैसेज दीजिएगा. कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता. सबसे पहले हमें खुद का सपोर्ट करना पड़ता है, खुद आवाज उठानी होती है. बदलाव लाने के लिए अगर शुरुआत करनी है तो ये नहीं सोचना कि कोई सपोर्ट करे, खुद निकलो. क्योंकि इंसान अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है. जब तक आपकी आवाज में वो बुलंदी नहीं होगी, आप शुरुआत नहीं करेंगे, तो कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं, राइट? और दूसरा है कि ये आप जो ट्रांसमैन हो, अभी आप फीमेल में खेल रहे हो या बॉयज टीम के साथ खेलने लग गए हो, क्योंकि मेन अगर सपोर्ट आपको किस टाइप का चाहिए, कि आपको अब मेल में खेलना है या आप फीमेल में ही खेल के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोगों से। बिल्कुल. अभी आज सच तो ऐसा कोई रिप्लाई हाँ नहीं है. कोई रिप्लाई आएगा तो डेफिनेटली मैं आपसे एक चीज श्योर, और शेयर करना चाहूंगी. आप उरूज हुसैन को मे भी जानते हो, नाम सुना होगा आपने. उरूज हुसैन, शी इज अ फर्स्ट ट्रांस वुमेन हु इज ओइंग हर ओके ओन रेस्टोरेंट इन दिल्ली एनसीआर. पहली बार किसी ने, और आई लव नोएडा की वो को फाउंडर है. शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो. कौन वन कौन वन कौन उरूज हुसैन अभी बहुत ट्रेंडिंग में है मीडिया में, उरुज हुसैन, मैं मतलब तो मुझे फर्स्ट वो टाइम बहुत नाम सुना है। सपोर्ट. मैं आपको शेयर करूंगी प्रोफाइल. हाँ, पक्का, मैंने सीरियसली अभी तक जी ऐसे किसी का नाम नहीं सुना, और कोई काम कर रहा हो ऐसा करके। थ्री टेम्पटेशन नाम का उनका रेस्टोरेंट है. अभी अभी वो दिल्ली से बैंगलोर और पूरा इंडिया बाय कार, मतलब तीर्थ दर्शन कहते हैं ना, वैसे निकली हैं वो. हर जगह का आशीर्वाद ले रही हैं. शी इज ओके लिविंग इन नोएडा ओनली, और उनका रेस्टोरेंट जो है वो सेक्टर 119 में है. मतलब आई एम ब्लेस्ड कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत गाइड करती हैं. शी ट्रीट्स मी लाइक हर यंगर सिस्टर, कि अशु तुम ये चीजें करो. मतलब मेरा मेरी बढ़िया, तो बैकबोन है वो, एज क्या लाइक अ बात है। तो मेरा मिलेंगे भी कभी जरूर, मे भी मतलब डेफिनेटली आई थिंक वो डेफिनेटली एक्टिविज्म में नहीं होंगी, मतलब जो मिनिस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, बट एज अ मिनिस्ट्री में अभी इंडिविजुअल वो कुछ उन्होंने कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी, और लाइक ऐसे वो किसी और चीज में नहीं जुड़ी हुई, इंडिविजुअल ही कर रही है अपनी तरफ से जितना हो सकता है. प्लस उन्होंने शुरुआत करी थी इसके लिए, जो वैक्सीनेशन कैंप ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से लगाया जाए, तो उन्होंने मेल डाला था मिनिस्ट्री को, तो अप्रूव हुआ था. बाकी नोएडा मेट्रोज में तो जो LGBT प्राइड आया, तो उसमें भी उन्होंने अपना लाइक सपोर्ट दिया था. बाकी मैं डेफिनेटली उनके बारे में शेयर करूंगी. आप जब देखोगे ना, मे बी आप फेस से पहचानते हो तो आप पहचान जाओगे. क्योंकि उधर जो प्लेसमेंट वगैरह हुई थी तो उसमें तो उन लोगों ने हमसे ही कांटेक्ट किया था, सो आई डोंट नो कि मे भी अच्छा अभी नहीं अच्छा जानता हूँ। हाँ
बट मैं जरूर पढ़ूंगा कौन है। गौरव भाई, अच्छा मैं एक आपका क्वेश्चन मिस कर गई शायद, तो आप मुझे दोबारा एक बार कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है आजकल लड़के बड़े इतराते हैं 2 दिन जिम जाने के बाद। ऐसे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब नए नए आजकल नौजवान लौंडे जाते हैं जिम में, समय बिताते हैं अच्छा खासा, कहते हैं हमारा ससुराल है, पहला ससुराल तो जिम है, और उसके बाद भी बॉडी बिल्डिंग में ना फेल हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके पास भी ऐसे ऐसे लोग आए होंगे कि सर मुझे तो आप मैं आपसे मोटिवेट हो गया, मुझे अगला कंपटीशन खेलना है। हम देखो जिम में ना दो एक तरीके के लोग आते हैं, एक आते पिक्चर हैं वाले। जिनको नहीं, एक तो जिनको सीरियसली खेलना है, कंपीट हाँ करना है और वो फोकस्ड हैं, और कुछ लड़के ऐसे आते हैं जिनको वही सेल्फी लेनी है सोशल मीडिया के लिए, और हाँ वहां जो लड़कियां आती हैं उनसे दोस्ती करनी है, शायद जो उनका वर्कआउट 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए वो 3 से 3.5 घंटा आराम से अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं वहां पे। हाँ तो वो जो जिसको कम्पीट करना है उसको किसी से मतलब नहीं होता, ना वो बिल्कुल किसी से बात करेगा, एक बार हाय हेलो किया, अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, जब तक वर्कआउट खत्म नहीं हो जाएगा वो इंसान किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना वर्कआउट खराब नहीं करना है। और जो दूसरे आते हैं जो एकदम चौड़े होके चलने लग जाते हैं दूसरे दिन में ही, वो सिर्फ हाँ टाइम पास के एग्जैक्टली लिए आते हैं, हाँ उनको कुछ घर में इतना वेला टाइम होता है, घर वाले भगा देते हैं कि बाहर निकलो कुछ करके आओ, सोए पड़े हैं, फोन में लगे तो पड़े वो हैं, जिम जिम तो जाके जिम में आते टाइम पास हैं कर लेते हैं। जी। और आर्यन भाई, कोलकाता में भी कोई LGBTQ कम्युनिटी सेंटर है क्या? अमित ट्रैवलर हाँ अमित का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, सेफो करके है वहां पे, और एक रंजीता दीदी का ट्रांसजेंडर्स के लिए है। तो कोलकाता में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एलजीबीटी को लेके काम कर रही है, लीगल है तो HRLN कर रहा है वहां पे काम। अच्छा ओके। तो लाइक मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे, चाहे बात की जाए जेंडर इक्वालिटी की, चाहे बात की जाए बॉडी बिल्डिंग की, चाहे बात की जाए किसी भी चीज की, मतलब सपोर्ट सिस्टम की। तो सबसे पहले मतलब मैं तीनों का ही जवाब दे दूंगा, सपोर्ट के लिए भी कि फैमिली फ्रेंड्स सबके लिए, कि आप एक इंडिविजुअल को इंसान की तरह देखो, और उसको कि वो मेल है फीमेल है ट्रांस है गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल, कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है, कि आप उस इंसान की अच्छाइयाँ क्या है, उसके अंदर खूबियाँ क्या है, और वो क्या अचीव कर सकता है, उसके पोटेंशियल्स क्या है, आप उसको उसमें हेल्प करें, ना कि उसको अपने से दूर करके, और उसके भी उससे लाइफ मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, कि कोई भी इंडिविजुअल हो अगर उसके पेरेंट्स उसको निकाल दे, या उसके भाई बहन उससे बात करना बंद कर दे, या जो उनको बेस्ट फ्रेंड जिसको वो बोलते हैं वो लोग अलग कर दे, दोस्ती तोड़ दे, तो कहीं ना कहीं जिस बंदे के साथ ये सारी चीजें हो रही है तो उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा उसका साइड इफेक्ट रहता है, और उसको कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट वाली फील आने लग जाती है कि शायद मैं ही गलत हूँ, कि वो पूरी मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो इन सब चीजों से आगे निकल पाते हैं, कि इन बिल्कुल लोगों को साइड करके कि भाई मुझे पता है मैं ठीक हूं, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ये मतलब मैसेज में सभी पेरेंट्स को, रिलेटिव्स, सिब्लिंग्स और फ्रेंड्स, कि बिल्कुल आप किसी मतलब आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की जिंदगी खराब करो, और बिल्कुल किसी सही को बात। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उसको भी उतना ही हक है जैसे आप अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हो वैसे ही वो इंसान भी जी सकता है, जब बिल्कुल तक सही बात। वो आपको कुछ हार्म नहीं कर रहा, या उसकी वजह से आपके किसी बच्चे पे या आपके ऊपर खुद कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उस चीज का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका हक है कि आप उस बंदे को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करें। सो ये तो सपोर्ट सिस्टम का हो गया, और दूसरा आई थिंक फिटनेस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिटनेस से अभी हम देखा भी होगा कि मतलब कोविड है
तो जो एथलीट्स हैं, जैसे मेरे को भी फर्स्ट टाइम में कोविड हुआ था, मैं एसिम्टोमेटिक था, सब लोगों की बहुत हालत खराब थी, क्योंकि मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था और मेरा डाइट सप्लीमेंट्स ये सब हमेशा, मतलब होता ना कि अप टू मार्क रहे, कि अब लोगों ने विटामिन सी, जिंक वगैरह, विटामिन ई जब कोविड आया तब खानी स्टार्ट करी। और हम लोग जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो भी गेम स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो अपना डाइटरी सप्लीमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, उनका प्रोटीन इंटेक कितना है, तो उनके मसल्स ये सब चीजें स्ट्रांग रहती है। तो बॉडी दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बिल्कुल इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए, और स्पेशली मेंटली अपने आप को एक राइट ट्रैक पे रखने के लिए फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर आपको ट्रांजिशन भी करना है, जो ट्रांसमैन है, ट्रांस वुमेन है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि उसका जो रिजल्ट पे भी, जैसे अगर आप अपनी टॉप सर्जरी कराते हो, उसमें डॉक्टर को भी हेल्प होता है, कि जब आपके मसल्स थोड़ी बहुत भी डेवलप होती है तो डॉक्टर्स को मतलब आइडिया मिल जाता है कि आपके स्कार्स एग्जैक्टली किस जगह पे होने चाहिए। कि जी जैसे डबल इंसिजन होता है तो उसको मेस्टेक्टमी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, तो दो ऐसे लाइंस आती है चेस्ट के नीचे, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मसल्स होंगी तो वो पेक्टोरियल मसल के नीचे वो आ जाते हैं, तो फ्यूचर में वो आपके स्कार्स नहीं दिखाई देते। अच्छा तो जब आप मतलब वर्कआउट करते हो तो ये सारी चीजें आपके सर्जन को भी हेल्प करती है। और जो अनइवन जो फैट है, जो किसी का शेप खराब हो जाता है, जब इतना ज्यादा फैट होता है तो मतलब डॉक्टर को भी नहीं कभी कभार समझ में आता कि कहाँ से कितना निकल रहा है, क्योंकि आप लेटे हुए हो उस टाइम पे जब ऑपरेट हो रहा है, बिल्कुल एक खड़े होके बॉडी का अलग रहता है। तो बिल्कुल इन मतलब जितना कम फैट होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि दोनों पोजीशन में बॉडी टाइट और लूज होती है। हाँ एक क्वेश्चन है कि सर क्या कोई ट्रांसप्लांट सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं? प्लीज ये मुहिम जरूर छेड़िए। नहीं, अभी तो सिविल एग्जाम्स में भी है कि भाई उसमें ट्रांस की कैटेगरी भी है। मेन तो यही है ना कि देखो, आपको अगर चेंज लाना है, आप सिविल एग्जाम्स के, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात कर रहे हो, बट क्या आप रेडी हो कि आप खुल के बोल पाओ कि आपने ट्रांजिशन किया है? बिल्कुल अगर आप मतलब अपना एग्जाम क्रैक कर देते हो तो कोई नहीं होता कि जो आपको रोक सके। थोड़ा सा आपकी एक फाइट है वो थोड़ी अलग है, थोड़ी लंबी है बाकी लोगों से, बट जी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। आप क्रैक तो करो, अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं, आपको ज्वाइन नहीं करने दे रहे, आप कोर्ट के पास जाओ। जी एग्जैक्टली बट आपको तो हर फिर चीज वो अगर घर उनका बैठे चाहिए कि भाई वो फॉर्म भी हाँ आपके घर लाके दे, तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल प्यासे ये को आपकी ही लड़ाई कुएं है, के पास आपको खुद जाना से पड़ता लड़नी है। है। एक क्वेश्चन है कि मैं इसको टैप कर देती हूँ। हाय मैम, आई एम मुस्लिम ट्रांसमैन। आप आर्यन भाई से पूछो क्या मुस्लिम में ट्रांसमैन हराम है? यार देखो, मैं भी मुस्लिम हूँ, और क्या हराम और क्या हलाल, ठीक है, सही जब बात। तुम खुद ही खुश नहीं हो तो तुम क्या हराम की बात कर रहे हो? तुम तो जब खुद ही परेशान हो, अपनी परेशानी की वजह से तुम 100 लोगों को परेशान कर रहे हो, तो वो ज्यादा बड़ा हराम हुआ या जो तुम अपने दिल से चाहते हो? और बाकी रही बात जो लोग, आई थिंक शिया लोग जो होते हैं, उनमें फतवा सिस्टम होता है, तो ऑलरेडी इराक में, इराक इराक नहीं सॉरी ईरान में, वहां पे ईरान में फतवा, हाँ ईरान में वहां फतवा जारी हो चुका था कि भाई आप अपना सेक्स चेंज करा सकते हो। मतलब वो होमोफोबिया, मतलब होमोफोबिक है, कि मतलब सेम सेक्स मैरिज उसको वो लोग अलाउ नहीं करते हैं और वो उनके लिए हराम है। बट मैं बिल्कुल भी मतलब रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ, कि ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ह्यूमैनिटी को, और हाई फाइव। ना मुझे, हाँ हेलो कि ना मुझे धर्म की बातें करना पसंद है। मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो और जिससे आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो सब चीजें ठीक है। शाज आप प्लीज दोबारा कमेंट कर दीजिए। मुझे कमेंट शायद ऊपर चला गया तो मैं नहीं समझ पा रही हूं कि आपका क्या सवाल था। एक अभी जो मैंने आपने वो एक पेज क्वेश्चन भी किया मैंने था बनाया है,
अच्छा अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो ट्रांसजेंडर एथलीट करके हम लोग एक पेज बना रहे हैं, मतलब बना दिया ऑलरेडी, बट अभी उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर रहा है। तो उसमें जितने भी ट्रांसजेंडर एथलीट, ट्रांसजेंडर एथलीट्स, सो ओके, उससे होगा क्या कि हमारे पास जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं, हमें विजिबिलिटी नहीं है ना, लोगों को यही लगता है कि भाई ट्रांसमैन तो है नहीं, और सबसे ज्यादा ट्रांसमैन स्पोर्ट्स में है, जैसे कि ट्रांस वुमेन ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, फैशन में बहुत ज्यादा है, कुकिंग में बहुत ज्यादा है, मतलब उनको वो उन चीजों का शौक है। वैसे ही हम लोग जब ट्रांसमैन जो है उन्हें बचपन से खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और लिटरली मैं जानता हूँ कि जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे खेले हुए हैं और उन्होंने ट्रांजिशन की वजह से छोड़ दिया, कुछ लोग अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन जो उस पेज के थ्रू हम लोग सारे जितने भी ट्रांस एथलीट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, और जो लोग आगे कम्पीट करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल, वो अभी मैंने मतलब कल ही पेज बनाया था वो, तो अब उसमें धीरे धीरे करके लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर रहा है। जरूर, आई डू शाउट आउट फॉर दैट। थैंक यू। मैं दो चीजें जरूर जानना चाहती हूँ कि लाइक आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अपकमिंग ओके अभी हम लोग स्किल ट्रेनिंग सेंटर का मतलब खोलने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसे अभी सलून स्टार्ट किया था तो उसमें ऑलरेडी मतलब ट्रांसमैन काम कर रहे हैं, तो उनकी पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई क्योंकि कोविड था, फिर सेकंड बैच में हमने पुणे भेजा उनको सीखने के लिए, और अब हम लोगों ने सोचा है कि हम क्यों ना हम अपना खुद का ही स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करें, तो जहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए, आई एम सो शॉर्ट टर्म सॉरी। कोर्सेज हो गए मतलब एटलीस्ट 2 to 3 months, मैक्सिमम 4 months, कि जल्द बाहर से आवाज आ रही है। हेलो। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी अभी ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी ठीक है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं। सो अभी स्किल ठीक है ट्रेनिंग ठीक सेंटर का है। बेसिकली चल रहा है, और सलोन का ही आगे इसको और बढ़ाने का, कि अभी एक किया है तो धीरे धीरे और इसकी चेन बना के करें हम लोग, और लास्ट में एक जिम खोलना है। दिल्ली में ही? हाँ गाजियाबाद, मतलब बेसिकली जो ओ मेरे गाजियाबाद डैड बिल्डर है उनकी जो भी में। प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब गाजियाबाद में ही है, तो थोड़ा अच्छा इजी हो अच्छा जाता है कि अच्छा मतलब आप रेंट पे ना लेके अपना एरिया यूज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और वो किसी अच्छे काम के लिए एरिया यूज हो रहा हो तो इससे अच्छी या कुछ खुशी वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। सो उसमें तो भी जिम अभी में भी अगर मैं जब भी स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी यही प्लान है कि अगर मतलब ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं तो एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हैं, वरना हेल्पर तो वो ही लोग रहेंगे, क्योंकि सब सब जिम में आजकल हेल्पर्स होते हैं, मैनेजमेंट का हो गया वो लोग देख सकते हैं, बट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होंगे तो वो मेल या फीमेल, क्योंकि हमारे सलोन में भी यही हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, क्योंकि अभी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा मतलब खुद से वो तैयार नहीं है, उनको भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, कि अगर हम लोग सारे मतलब है ही नहीं हमारे पास हायर करने के लिए सीनियर लोग, तो अगर जिम भी करेंगे तो उसमें मेल फीमेल और ट्रांस सभी लोग काम करेंगे एक साथ। जी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अब प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मैं क्वेश्चंस हाँ देख रही हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस व्यूअर्स के हैं जो अब पूछने लायक हैं, और लाइक कुछ भी लोग लिख ओके देते हैं ना। अच्छा, मैं लिटरली जानना चाहती हूँ कि ये जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता रहे हैं, आई एम सो सॉरी, प्लीज व्यूवर्स मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। बार बार यही पाशा भाई ने भी यही बात कही और मैंने भी यही बात की, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है।
कहते हैं ना कि लड़का हो या लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, आप अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं और बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए. आप उनसे, आप अगर उनसे आप हर तरह की बात कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, सिगरेट की, शराब की, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप की क्यों नहीं कर सकते. अपने अगर आप अपने आप में, आप जो रियलिटी है उसमें खुश नहीं है, वो आप सामने अपने पेरेंट्स से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप बाहर दुनिया को कैसे बता पाएंगे? वो तो आपके लिए अनजान है. फिर तो वहां पे वो मेंटालिटी आ जाएगी कि वो क्या सोचेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड बनाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए, उनसे बात कीजिए. और अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप डिप्रेस मत हो, ये प्लीज सपोर्ट होगा, बिल्कुल होगा. पेरेंट्स हैं, वो नहीं, आपके और लिए जीते हैं ये यार. मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जितने भी लोग हैं, लोग मतलब पेरेंट्स ने टाइम लगाया एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे कर ही लिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना, तो ना ऐसा नहीं होता है। बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स देखे थे कि जिन्होंने, किसी ने 2 साल 3 साल लगाए, बट आज वो रेडी है और एक्सेप्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। टाइम लगता है, क्योंकि इतना टाइम आपको खुद को लगा अपने आप को पहचानने में। अब जब बिल्कुल. तक, अब मेरे को इतने सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि हमने आपका इंटरव्यू देखा, तब हमें पता चला हम क्या हैं, तब हमें पता चला कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। उससे पहले उन्हें खुद भी नहीं पता था कि भाई उन्हें एक्सचेंज कराना है, या उनको ट्रांसमैन बोलते हैं, या क्या टर्मिनोलॉजी उनके लिए यूज होती है और क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल क्योंकि जब तक वो एक वर्ड ही नहीं पता, तो आप क्या गूगल पे सर्च करोगे? सही बात. तो जब आपको खुद को इतने साल लग गए, 20 साल, 25 साल, 27 साल अपने आप को पहचानने में, अपनी क्या आपके एक्चुअल में क्या पहचान है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स को आप एक बार जाके बोलोगे और वो आपको मान जाएंगे कि हाँ भाई करा लो? उनको भी टाइम बिल्कुल. चाहिए, उनको आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान के साथ, और धीरे धीरे उनको समझाना होगा। एक बार पे जाके आप बोल दोगे कि भाई ऐसे ऑपरेशन होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो डर जाएंगे। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स सर्जरी के नाम से, उनको ये लगेगा कि भाई हमारे बच्चे की जान को खतरा है, ये बिल्कुल. सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, और अगर सर्जरी करा ली तो उसको पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी भर अकेले रह जाए। तो ये मोस्टली बिल्कुल. यही कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के। तो उनको समझाना, उनको कन्विंस करना कि एक रात का गेम नहीं है, आपको बिल्कुल धीरे सही धीरे बात. उनको एजुकेट करना है इस टॉपिक के ऊपर। और बिल्कुल. उन्होंने आपका बचपन देखा है कि आप बचपन में कैसे थे, आप कैसे बिहेव करते थे, कैसे वो जबरदस्ती आपको जब फ्रॉक पहनाते थे तो आपका रिएक्शन कैसा होता था। कि बिल्कुल. उन्होंने अपनी बाकी लड़कियों को भी फ्रॉक पहनाई होगी, उन्होंने वो कपड़े फाड़ नहीं दिए होंगे, या उन्होंने इतना रोना पीटना नहीं मचाया होगा जो आपने किया। स्कूल बिल्कुल. जाते हुए जब आपको जबरदस्ती गर्ल्स यूनिफॉर्म में भेजा जाता होगा, तो आप कैसे रोते हुए जाते थे? तो धीरे धीरे इन सब चीजों से वो रिलेट कर पाएंगे। आप जाते बोल दोगे बिल्कुल. भाई मैं ट्रांसमैन हूं, मुझे हॉर्मोन्स लेने हैं और मुझे सर्जरी करानी है, तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है ये। बिल्कुल सही बात. बिल्कुल. और नहीं पता होता, ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं, टेक्निकल टर्म्स, जो पेरेंट्स को जल्दी समझ में भी नहीं आते. जब तक उसको आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, हमारे पास नहीं ये ऑप्शंस अवेलेबल थे कि इंटरनेट क्या है, कि साइबर कैफे जाना पड़ता था. अभी तो आप हर चीज ट्यूटोरियल्स दिखा सकते हो, एग्जाम्पल्स दिखा सकते हो, अब तो पूरे राइट? की पूरी सर्जरी के प्रोसीजर्स है, कैसे होते हैं, और बिल्कुल. एक गूगल सर्च करो, आपको डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाती है कि इंडिया में कितने डॉक्टर्स ये सारी सर्जरीज कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। और जब मैंने खुद ट्रांजिशन अपना, मतलब तब तो मैं 16 ईयर्स का था, मुझे 1.5 साल लग गए थे कि एक ट्रांसमैन को ढूंढने में, कि लोग मिलते नहीं थे एक दूसरे से, फोन पे बात कर लेंगे बट फेस टू फेस नहीं मिलना चाहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे, कि उनको था कि भाई अब बिल्कुल. हमारी लाइफ नॉर्मल हुई है, हमें अपना पास नहीं लेके आना सामने। तो अब तो चीजें इतनी इजी हो गई है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे 250 लोग हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो 400 400 लोग एक साथ कनेक्टेड है। तो अब तो मतलब बहुत इजीली, मतलब किसी को भी, भाई मेरे को यहाँ पे हूँ, मैं स्टेट से हूँ, मुझे साइकाइट्रिस्ट का नंबर दे दो, कि भाई यहाँ पे मेरे को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का नंबर चाहिए, इजीली सब कुछ हो जाता है। तो उनको भी वही एक्सपेक्टेशन होगी ना कि भाई पेरेंट्स भी एकदम से मान जाएंगे, बट उनको उतना ही टाइम बिल्कुल. लगेगा। क्या बॉलीवुड है? बॉलीवुड एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को, स्टोरीज बनाने के बॉल अलावा?
देखो मतलब अगर हम अब पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, एक फनी करेक्टर करेक्टर में ही लिया जाता था कि एक मजाक के तौर पे, अगर हम वेस्टर्न में देखें तो उनको एक्चुअल में रोल्स दिए जाते थे कि कोई गे है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो गे का ही रोल करे, ठीक है, वो किसी भी रोल में आ सकता था। बट अब इंडिया में जैसे अभी ये चंडीगढ़ का राज की जो बनी है, ठीक है, तो और उन्होंने तो उनको मजाक पहले बना दिया। मजाक मजाक लोगों ने बना दिया, क्योंकि उस मतलब मूवी आपको का नहीं लगता जो कि उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आयुष्मान खुराना की तरफ से रिप्लाई जाते हैं, जो उसका डायलॉग था वो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कितना हर्ट किया होगा। ये देखो, उन्होंने कोई भी जो मूवी बनती है, ठीक है, वो अपने जो उनके व्यूअर्स हैं वो उसके हिसाब से बनाते हैं। अब मैंने भी किसी का रिव्यू पढ़ा था, उसमें बोला कि भाई मूवी देखते हुए जब उसने बोला कि ये तो हिजड़ा है, ऐसा करके जो भी डेरोगेटरी टर्म्स बोले, तो क्राउड खुश हो रहा था, ठीक है, जो हालांकि बिल्कुल गलत है और बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर्स के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करेगा। बट मैं उस मतलब मैं कभी भी नेगेटिव वे में चीजों को नहीं देखता हूँ, बट मैंने जो मूवी में पॉजिटिव साइड देखी कि भाई उन्होंने ट्रांस वुमेन का दिखाया, तो कि भाई ट्रांस वुमेन भी, और एक नॉर्मल कैरेक्टर दिखाया, उसको ताली बजाते हुए नहीं दिखाया, बेगिंग करते हुए नहीं दिखाया, जो मेन जो रोल था। तो धीरे धीरे ही हमको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम जैसे हम अपने एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक बॉलीवुड एक उसको फनी कैरेक्टर में ही ले रही थी कि हंसी मजाक, ठीक है, अब चीजें बदल रही है। तो और अंशु वो आयुष्मान खुराना की एक और जो मूवी आई थी जिसमें वो गे वाला था, तो वो भी एक नॉर्मल लव स्टोरी दिखाई थी कि भाई फैमिली कैसे लड़ आपने रही तो है। समय बिताया है इंडस्ट्री के लोगों के साथ, लक्ष्मी बॉम्ब के टाइम पे भी। तो आपको क्या लगता है कि उनके व्यूज कैसे हैं? सी, एक एक्टिंग करना और रियलिटी में उस चीज को एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। देखो वैसे तो बॉलीवुड बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि बॉलीवुड अच्छा। में जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए, बैक जो डांसर्स होते हैं, वो मोस्टली कम्युनिटी से ही है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये कि ऑन स्क्रीन क्या क्राउड क्या देखना चाहता है। अब ये कि लोगों ने इस चीज को मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट ही हो जाती है जब भी कोई मूवी आती है ऐसी करके, और वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, तो लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं, पहले कोई बोलता नहीं था। तो अब बिल्कुल धीरे धीरे वो लोग भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब जी। जो चंडीगढ़ का राज की जो है, उसके सिनेमेटोग्राफर जो है वो मेरे ही फ्रेंड है, मनोज लोबो, उन्होंने अच्छा। खुद से इतने सारे ट्रांस को ढूंढा। एक तो ये कोविड के टाइम पे शूट हुई थी ये चंडीगढ़ में, ठीक है, और सबको रहता है कि भाई आप ट्रांस को क्यों नहीं ले रहे हो लीड रोल में, भाई आपको उतनी एक्टिंग भी तो आनी चाहिए, कोई करोड़ों बिल्कुल रुपए बिल्कुल आपके ऊपर ऐसे ही नहीं खर्च देगा। वो बिजनेस कर रहे हैं एक मूवी बना के, अभी एक आपको छोटे से जरूर रोल के करना लिए, चाहिए लीड रोल। नहीं मेरे को एक्टिंग नहीं आती, ठीक है, तो अभी एक रोल में उन्होंने एक ट्रांस वूमेन को लिया था जो बेगर रोल में जो है, जो रेड लाइट पे अच्छा सिग्नल पे दिखाते हैं, तो ओके उस रोल के लिए मैंने खुद कुछ नाम सजेस्ट किए थे, तो उनको हो गया कि नहीं हमें नहीं करना, कि वो एक्टिविस्ट हैं कि मैं बेगिंग का रोल नहीं करूंगी। बट अब मेरी जब मूवी देखी मैंने, उसके बाद मेरे को उन्होंने खुद बोला कि यार जो बेग जिसको हमने बेगर वाला रोल दिया था उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, और वो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाई, कि बहुत सारे शॉट्स है जो जिसमें उसके मैसेजेस थे वो हमें पूरे कट करने पड़ गए। फिर आप ये मतलब हुआ ना कि आप ट्रांस को क्यों नहीं ले गौरव रहे, भाई, मैं आप प्रो डेफिनेटली आपका आपका जो कमेंट है मैं वो पर्सनली पाशा भाई को भेज दूंगी, क्योंकि अभी वो टॉपिक से हट जाएगा वरना। इसलिए मैं गौरव भाई मुझे कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, और उनका एक सवाल था वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, तो वो आप उनको बता दीजिएगा। गौरव ओके भाई जो ओके, है वो इंडियन बीएसएफ इंडियन वॉलीबॉल टीम के कैप्टन है। पक्का पक्का, मेरे को मैं हम लोग इग्नोर टच नहीं कर रही हूँ गौरव भाई, लेकिन वो करते टॉपिक हटते हट ना जाए ये फ्लो, तो हैं। इसीलिए मैं इग्नोर कर रही थी सिर्फ कमेंट को। प्लीज 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 हाँ तो कंटिन्यू। वही मतलब मेरा यही कहना था कि भाई अगर आपको, आप ट्रांस वुमेन जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हो, तो आप इंडस्ट्री से लड़के एक्टिंग में नहीं घुस पाओगे, आपको काम उन्हीं के अंडर में ही करना है, बिल्कुल आपको अपना अप्रोच का तरीका चेंज करना होगा,
कि अगर आप उनसे लड़ते रहोगे कि आप हमें मौका नहीं दे रहे हो, आपको एक्चुअल में ट्रेनिंग करनी चाहिए। वहां जितने भी एक्ट मतलब जो एक्टर है एक्ट्रेसेस है वो लोग उस चीज की बिल्कुल पढ़ाई करके आए हुए हैं सही और वो बात। कई सालों से वो चीज ही करते आ रहे हैं। आपको आता कुछ नहीं है, छोटे मोटे रोल करने से आप अपने आप को सोचो कि आप हीरोइन बन गए हो, तो सॉरी कि कोई जो एक एक्ट्रेस को 1 करोड़ रुपए पे कर रहा है वो आपको शायद 10 लाख भी ना पे करे, बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक मूवी बनने में बहुत पैसा खर्च होता है। बहुत बहुत मेहनत भी होती है, ये चकाचौंध लाइफ लोग क्या देख लेते हैं, लेकिन स्टिल बहुत मेहनत करते हैं वो, टाइम पे एक हर छोटे चीज छोटे शॉट के लिए सारा। कितने कट लेने पड़ते हैं उनको। अब मैंने एक ऐड आई किया था, कैन कुछ अंडरस्टैंड, आई 3 मिनट का कैन ऐड था, अंडरस्टैंड। 3 मिनट का ऐड उन्होंने 2 दिन में शूट किया था, तो एक मूवी मैंने 3 घंटे सिर्फ की एक बनाना। शर्माने का शॉट, एक शर्माने का शॉट मुझे कम से कम 30 से 32 टेक लगे थे। दे आर लाइक कि आप तो लड़की हो ना, शर्माना तो भरा होगा अंदर से। मैंने कहा ये चीज ऐसी है कि मैं इस चीज को देख करके गालियां दू, शर्माऊ नहीं, तो वो चीजें नहीं है कि एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। अभी आजकल वही ऐसा ही चल रहा है कि आजकल हर कोई जैसे लाइव सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। लाइव तो एक तरीके से सोशल मीडिया गैदरिंग हो गई, प्लस यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं। जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड में भी लोग पढ़ाई करके जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज की एक स्टडी होने लग गई, एक मेहनत करते हैं वो लोग, इतने साल अपनी स्टडी को देते हैं उसके बाद जाके, क्योंकि सी एक्टर्स के लिए भी एक्टिंग उनकी जॉब है, राइट? बिल्कुल ऐसी मीडिया पर्सन के लिए भी, लाइक कि हम लोग अपना जर्नलिज्म में इतना टाइम देते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। मीडिया बहुत वास्ट है, बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर। अभी आजकल हर कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठता है, कहता है अपने आप को पत्रकार। नहीं यार, बहुत में एक प्रेस कार्ड जब हमारे पास आता है तो हम लोग ना लाइक खुशी के आंसू होते हैं कि यार इसी के लिए तो पढ़ाई करी थी। ये अभी हर मेहनत कोई की किसके थी। पास माइक लेकर के घूमता है, फोन से लेकर के, कि ठीक है वी आर द रिपोर्टर्स। नहीं मैन, ऐसे नहीं होता है। अभी मेरा खुद मेरा एक फ्रेंड है, बॉम्बे में ही रहता है, वो एक्टर है, तो उसने ये कहा कि यार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हम लोगों की रात को 2 बजे भी आंख खुल जाए ना और हमें कुछ याद आ जाए कि हमें ये डायलॉग कैसे बोलना है, कैसे डिलीवरी करनी है, तो हम रात को 2 बजे कैमरा ऑन करके मतलब उस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जी तो ऐसा कौन सा लोग कर रहे हैं हमारे मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी से कि भाई अगर वो एक्टिंग के पीछे इतने पागल है तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो? ठीक है आप बनना चाहते हो लेकिन वो आपकी एक इच्छा है, ठीक है वो आपका ड्रीम है, एक डिजायर है, बट उसके पीछे आपके हार्डवर्क क्या है। अब लोग नेपोटिज्म बोलते हैं कि भाई जो हीरो हीरोइनों के बच्चे हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, तो यार वो लोग बचपन से ही जब से पैदा हुए हैं वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल सही हमेशा से बात। वो एक कैरेक्टर में ही रहे हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ के भी आ रहे हैं। तो जो चीज आप 18 साल के बाद सोचते हो कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, वो डे वन से जब से पैदा हुए हैं उनके घर वाले उनसे वही चीज करवा रहे हैं, बिल्कुल। उनको और 100 कट वो भी नहीं इनको कोई देने फोर्स पड़ते नहीं होंगे। करता, जरूरी नहीं कि हर एक एक्टर का बच्चा एक्टिंग में ही जा रहा है, ऐसा ऐसा भी जरूरी नहीं है। नहीं और मतलब मेन चीज जैसा कि आजकल आपने लोगों का बताया, ये बन गया है ना कि मतलब आजकल ये लोगों का एटीट्यूड ये हो गया कि भाई नेपोटिज्म है, एक वर्ड सीख लिया कि भाई मतलब उसका लड़का है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, आपको अपने रास्ता खुद बनाना होता है। बिल्कुल अब सही कल बात। को यार अगर मेरे डैड बिल्डर है तो वो चीज वो मुझे ही देंगे ना, या वो सड़क के किसी दूसरे बच्चे को तो नहीं दे देंगे कि भाई ये कल से तेरा है बिल्कुल तू सही संभाल बात, लियो। बिल्कुल सही बात, अब बिल्कुल सही बात। और जैसा कि आपने बताया कि अप्रोच करना होता है, और मैं यही चीज कहना चाहूंगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो या फिर लड़का हो लड़की हो, अप्रोच करने में और बेगिंग में बहुत फर्क होता है। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम पहले बता देते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ, या फिर मैं ये हूँ, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, या ये फैमिली सपोर्ट नहीं है। लोग प्रॉब्लम्स पहले बताते हैं, ये नहीं बताते कि मुझे इंटरेस्ट किस में है। अब इसलिए हैरी पॉटर अप्रोच और थी उसमें भी मतलब डेनियल ने अपना मतलब इंटरव्यू दिया था, ऑडिशंस के लिए गया था वो, और उसके डैड खुद डायरेक्टर है, सब कुछ है, उसको भी वो रोल ऐसे ही नहीं मिल गया, उसने भी ऑडिशंस बिल्कुल। क्लियर किए कि भाई देखा गया कि वो कैमरा पे मतलब लायक है या नहीं है उस चीज के। अब कोई बोलेगा भाई, कोई सोचेगा भाई वो हैरी पॉटर है इसलिए वो इतने आगे बढ़ गया, नहीं भाई वो ऑलरेडी वो भी उस एक इंडस्ट्री की फैमिली से ही था, बट उसने भी ऑडिशन दिया जैसे बाकी सबने दिए थे। थैंक यू रक्षित सर फॉर ज्वाइनिंग, सीरियसली आई एम ऑनर।
रक्षित सर इज अ पैन इंडिया साइबर सेल एक्सपर्ट. सब आपने खतरनाक लोगों को रखा हुआ है। I interviewed him and he is like a father for me. He's like a guru for me. तो अच्छे ये अच्छे चीजें मेंटर्स हैं हैं. आपके। तो ये भी एक मेहनत होती है. आज के टाइम पे अगर बच्चा जर्नलिज्म कर रहा है, या फिर मैं अपने जितने जूनियर से मिली, यू वोंट बिलीव बादशाह भाई, कि लोगों को जर्नलिज्म में तो आना ही नहीं है. दे आर डूइंग बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टू गो इनटू पीआर और इवेंट्स. न्यूज की तो बात ही नहीं करता अभी, लेकिन एक असाइनमेंट उनका पार्ट होता है. एक छोटी सी स्टोरी से शेयर कर रही हूँ आपसे, कि अगर उनको इंटर्नशिप भी, इंटर्नशिप इज कंपल्सरी, लेकिन इंटर्नशिप भी किसी को करनी नहीं है. हम लोग सुबह कॉलेज जाते थे, शाम को इंटर्नशिप जाते थे, भूख थी सीखने की. अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके कि सर प्लीज ये वाला बता दो ना प्लीज, ये कैसे होता है. तो लगता था सब कुछ सीखना है क्या. हाँ, एक ही जिंदगी है, रेनबो के हर कलर को टच करना चाहिए. अगर आप उसमें, आपके पेरेंट्स फीस लगा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसको भूख आनी चाहिए कि आपको सीखना है वो चीज. आजकल बच्चा सीखना ही नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता है. इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बनवा दो जी बस. ऐसे ऐसा सबको ये देखा है घर बैठे मैंने. सर्टिफिकेट्स बनवा दो। तो वो चीजें मैंने 7 साल मीडिया में रह के, वो अपना एक रेपुटेशन खुद कमाई है. बहुत कम उम्र में मैंने बहुत सारी चीजें फेस करी हैं. बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल मीडिया, क्राइम स्टोरीज, बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं. अगर आप किसी को एक्सपोज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है. थ्रेड्स की फैमिली भी है, कहीं फैमिली में किसी को प्रॉब्लम ना हो. और मेन चीज ये कि आप अपने दुख को छुपा लेते हो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, बहुत दूर रहना पड़ता है, कि पेरेंट्स कहीं परेशान ना हो जाए. फेक स्माइल रखनी पड़ती है, डर बहुत होता रिस्की है. भी होता है। और मेन चीज की डर लगता है, पर डर भी शो नहीं करना है. जैसे मैं भी और रांची में कोई थी, टाइम यू वॉन्ट नहीं है। बिलीव कि रांची मेले टोटली अनजान था मेरा. वहां पे एक सिंगल पर्सन नोन नहीं रहता, सिंगल पर्सन. वहां पे पीपल आर लाइक कि कुछ तो पागलपन होगा इस लड़की में, कि पेरेंट्स से इतनी दूर आ गई. मैंने कहा सर बहुत बड़ा फितूर है करियर का. वही है, मतलब अगर आगे बढ़ना है तो रास्ता भी खुद ही बनाना होगा, और यही एज है मेहनत करने की। बिल्कुल सही बात. अगर अभी आपने मेहनत अब नहीं करी, तो फिर कब? अब नहीं तो वही है, कब? ये हर एक चीज के लिए मेरा. हम लोग जिन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो लोग भी ऐसे ही नहीं वहां तक पहुंच गए। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में ज्यादा चीजें फेस करी है, तब वो उस मुकाम बिल्कुल पे जाके बैठे हैं। हम लोग सिर्फ बिल्कुल देख लेते हैं कि अच्छा यहां तक पहुंचना है, बट वो कैसे पहुंचे हैं और उस ट्रैक पे चल रहे हैं तो लायक अभी अब है ही नहीं। तो एटलीस्ट उनके थोड़े बहुत भी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर ले तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल ठीक है. मैं आपका बिल्कुल अब बिल्कुल आपका वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि आपने बताया कि शाम को मैम का भी इंटरव्यू है. हाँ और जी, तो मैं सारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी, जो चीजें पाशा भाई ने भी बताई, कि अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. एक्सेप्टेंस, आजकल हर कोई इक्वालिटी की बात करता है, पर इक्वालिटी को समझना और बात करना में बहुत डिफरेंस है. जैसे कहते हैं ना, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में बस एक थिन लाइन होती है, वैसे ही समझना, एक्सेप्ट करना और बोल देने में बहुत 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 फर्क होता है. और यही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने फ्रेंड्स को अपना कुछ बातें में दो चीजें, एक पेरेंट्स और एक फ्रेंड्स. अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो बातें आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने फ्रेंड से करते होंगे. और वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी कुछ अच्छे होते हैं, जो आपको गाइडेंस दे दे कि आपको अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है. कभी कभी इंसान खुद भी नहीं समझ पाता है, तो फ्रेंड्स उसको गाइड कर देते हैं, पेरेंट्स आपको गाइड कर देते हैं. एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप डिप्रेस्ड होंगे. मेंटल प्रेशर से नहीं जीत पाएगा इंसान. इंसान बीमारी से नहीं हारता है, डिप्रेशन से, मेंटली प्रेशर से हार जाता है. वही घुट घुट के मरते हैं ना, घुट घुट कि के मतलब मरना. तो आप फिर ये किसी से अगर जिंदगी, आप फिर बात करोगे वो तो आप जिंदगी को दोष देते हैं. मतलब वो इतना ज्यादा बर्डन क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर। तो अगर आप किसी से बात करोगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर, तो एक मेंटली आप लाइट फील करोगे। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्कुल में आ जाते हैं कि नहीं भाई कैसे होगा, वो समझेगा या नहीं समझेगा, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्टेंस आएगी नहीं आएगी। तो एटलीस्ट ट्राई करके देखो, अगर दोस्त से ही ट्राई कर लो, मानते हैं तो ठीक है, वरना वो आपके दोस्त ही नहीं अगर वो आपको समझ ही नहीं रहे तो। पता है पाशा भाई,
मेरा ये पहला लाइव सेशन गया जो 1 घंटे से ऊपर गया है, वरना मैक्सिमम 40 मिनट्स 30 मिनट्स, क्योंकि आज आज पता ही नहीं लगा टाइम का। सीरियसली इतनी सारी बातें और इतनी सारी मॉरल स्टोरीज मिली हैं लोगों को, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला बिल्कुल कोई फायदा नहीं। किसी को हम जबरदस्ती टॉनिक नहीं है, हम सिर्फ आपकी अपनी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आप इतनी सारी बातों को फॉलो किया होगा, कितने लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा, कितने लोगों ने मुझे कोसा होगा, आपको कोसा होगा, राइट? क्योंकि हम किसी से बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करवा सकते। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो खुद आप क्या कम्युनिटी के कहना मतलब इतने चाहते सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनको पता भी है ट्रांजिशन कैसे होता है, ठीक है, करना भी चाहते हैं, बट एक डर कि फैमिली निकाल देगी, या भाई बहन धमकी देते हैं, या पेरेंट्स ही धमकी देते हैं, अगर तूने कुछ किया तो हम जहर खा लेंगे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं भाई कोई नहीं मरता, मैं जो धमकियां देते हैं ना झूठी कि तूने कुछ कर लिया या बिल्कुल तूने सर्जरी करा ली तो हम जहर खा लेंगे, मैं तो एक बार करा तो ले, मैं अपने यार देखना धीरे धीरे सब एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उसे वो डराने धमकाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और जिन लोगों ने करा लिया, जिनके पेरेंट्स धमकियां देते थे, आज वही उसको प्राउडली ले लेके घूम भी रहे हैं कि देखा हमारा बिल्कुल बेटा सही है, बात। हाँ कि देखो लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, ये है वो है, यहाँ जॉब करता है, इतनी इसकी मंथली मतलब सैलरी है। चीजें जरूर बदलती है, जी कई बार होता है कि ठीक है कई फिर। सालों तक पेरेंट्स बात नहीं करते, बट धीरे धीरे वो भी करने लग जाते हैं, जब आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, जो आपको कराना था करा ही लिया, तो कहते हैं पेरेंट्स ही एज लाइक अ सम लव मैरिजेस, एक्सेप्ट नहीं करते ना हैं, बाकी शादी कर लो, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हाँ हैं। वही 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 सेम है कृपया मेरी बातों को इग्नोर करें, बाकी शादी ना करें। नहीं कर लिए कर लो, नहीं मान रहे तो घर वाले क्या हो गया। गुड मैरिज। हाँ हर लोगों को हर चीज अपने पेरेंट को कैसे कन्वेंस करनी है, जिद करके, रो करके, बट अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये चीजें पता नहीं क्यों आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हो। मतलब क्या कह रहे हो, हर सॉरी चीज का मैं मेरा सॉल्यूशन। कुछ कमेंट पे नजर में चली गई थी, क्या कह रहे हो आप। अच्छा नहीं, मैं यही चीज बोल रही हूँ कि हम लोग बीइंग अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स से हर चीज मनवा लेते हैं, हर चीज की बातें कर लेते हैं, हर चीज के लिए कन्विंस कर लेते हैं। लव मैरिज हो गया, या फिर अदर कास्ट अदर रिलीजन का हो गया कि हाँ लव मैरिज करनी है, ये कास्ट है या ये धर्म है, बट अपने आप की ही बातें नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा। उसके बाद आप जिंदगी को दोष मत दीजिए, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। वही मतलब सब कुछ हो मैं जाता है कि मतलब सिर्फ वो बोलने की बातें होती है कि नहीं होगा, हर चीज का रास्ता बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि भाई आपकी फैमिली बिल्कुल नहीं मानने वाली, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लो। बिल्कुल जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको किसी की वैसी ही जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक टाइम के बाद जब उनको पेरेंट्स को दिखने लग जाता है कि भाई हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है लाइफ में, करियर वाइज सेटल हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती एक्सेप्ट करने में, फिर पेरेंट्स ही रिलेटिव्स के भी अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कि जब आप अपनी बिल्कुल फैमिली का सही एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो, कि जब कभी बात। आपकी फैमिली परेशानी में हो, आप उनको बोलो कि भाई ये रखो पैसे, और कुछ भी जरूरत हो कि मैं हूं, आप टेंशन मत लो। और बिल्कुल खासकर ये चीज मैंने कोविड में देखी है कि हर कोई बंदा टूट गया था, और जो भी लोग अच्छे काम कर रहे थे उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, तो उन लोगों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जहां पे फैमिली सोचती थी कि ये कुछ नहीं करता, इसके कुछ बस के नहीं है, तो वही वो रिश्ते जो टूटे हुए थे वो जुड़ गए। बिल्कुल। तो एंड में आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या बातें करना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इसी के साथ ये लाइव सेशन को एंड करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा तो फिर हमारी बातें भी ना लोग बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, फिर लोग सच में कहेंगे कि तूने आज सच में आज ना पत्रकार की तरह ही ना लंबा खींच दिया इंटरव्यू, चिट चैट विद अंशु शुक्ला आपको मैं यही बोरिंग बोलना लग रहा था। चाहूंगा कि आपको लाइफ में जो भी करना है, जो भी बनना है, और किसी से भी आप प्यार करते हो, किसी से भी आप शादी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपका डिसीजन ठीक है, तो उसको फिर सेकंड डाउट मत दो। और एक बार आप समझा सकते हो घर वालों को, दो बार समझा सकते हो, एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छी बात,
नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो कर लेंगे, कि अगर आप खुश हो, मतलब पेरेंट्स को फैमिलीज को यही रहता है कि उनका बच्चा खुश रहे, जब उनको दिखेगा तो ऑटोमेटिकली तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल और बिल्कुल यही बात कास्ट, रिलीजन या ओरिएंटेशन, प्रेफरेंसेस, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कि मतलब कुछ गे कपल्स है जिनको आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में उनके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद अपने बेटे से ज्यादा ज्यादा उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके फादर का फ्रेंड बन गया, कि इतनी अच्छे उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई। तो ऐसे भी रिलेशंस हैं कि भाई वो खुद ही, अब फादर पूछ रहे हैं कि भाई तुम कब शादी करोगे, कब तुम साथ में मतलब शिफ्ट हो रहे हो लिव इन में, ऐसा करके। तो चीजें बदलने में मतलब वो है ना कि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट चीजें बदलती हैं वक्त के साथ और बिल्कुल रिलेशंस बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। कि हमेशा बिल्कुल मतलब नेगेटिव साइड पे मत रहो, पॉजिटिव साइड पे भी सोचो कि ये भी पॉसिबिलिटी है, सो आपकी लाइफ में अच्छा होगा उससे। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहोगे तो फिर आप नेगेटिव वाले ही पूरे जोन में ही घुसते जाओगे और फिर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे और जो आप चाहते हो उसको अचीव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं व्यूअर से यही कहना चाहूंगी कि आपने सीरियसली थैंक्स, एक कोई भी लाइव सेशन अगर एक बंदा भी देख रहा हो ना तो मेरे लिए फ्रूटफुल होता है कि कोई तो सुन रहा है ना। और मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों ने अपने बहुत सारे हम सवालों के जवाब नहीं दे पाए लोगों के, व्यूअर्स के, बट डेफिनेटली मैं वो पर्सनली मैं आपको बता दूंगी सारी चीजें, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं हो पाता है हर एक सवाल का जवाब लाइव पे देना, वो बहुत ज्यादा ही फिर 4 घंटे खिंच जाएगा। लेकिन सीरियसली थैंकफुल व्यूअर्स हैं तो हम हैं, राइट। बिल्कुल सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट होता है लोगों का, और कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हो तो वो डीएम कर सकते हैं मुझे, और मैं पर्सनली फिर उसका रिप्लाई दे दूंगी। बाकी सबसे यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि पाशा भाई ने भी बताया, इक्वालिटी और एक्सेप्टेंस, बहुत सारे वर्ड्स हमने आज रिपीट करे हैं, तो सभी से ये कहना चाहूंगी इन सबको ध्यान से सुनने समझने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। सीरियसली थैंक यू। आशा भाई को दोबारा लपेटे में लेंगे, दोबारा आएंगे कुछ फनी फनी क्वेश्चन आंसर के साथ जो किसी को हॉट भी ना करे और मजा भी आए, और दोबारा लाइव आएंगे। चलिए सीरियसली थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और आज चलो इस बाय बाय। सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सवाल जवाब और नए गेस्ट के साथ। बाय, बाय, टेक केयर थैंक एवरीवन, यू बाय, थैंक यू। या बी सेफ, बी थैंक सेफ, यू यार, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू, मैं डेफिनेटली बाय। आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, अभी मैं 1 महीने के लिए दिल्ली में हूँ। ठीक, चलो मिलते हैं जल्दी, आप मेरे घर के पीछे ही रहते हो, बाय। बाय 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 बाय, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना ध्यान से आज सुना है, और मेन चीज ये है कि ये सेशन आज थोड़ा लंबा गया लेकिन समय का पता नहीं लगा। सबसे अच्छी बात ये कि बिल्कुल भी समय का पता नहीं लगा, बहुत सारी बातें हुई पाशा भाई के साथ, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला उनसे। मैं यही बात हमेशा सबसे कहती हूँ और अपने हर लाइफ पे कहती हूँ कि इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, जैसा कि भाई ने भी बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने आप को जो आप हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, हर चीज का सॉल्यूशन है, बस पहचानिए अपने आप को। मैं इस सेशन को अभी यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी और फिर दोबारा मिलेंगे एक नए। थैंक यू अनुराग सर कि आपने ये लाइव देखा, आर्यन भाई को आप इतना सपोर्ट करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। और इस कोरोना महामारी में प्लीज अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, ठीक है। तब तक के लिए नए गेस्ट नए फिर मिलेंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।